हम बहाउल्लाह से प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें एक किया है। आज हम साथ खाते हैं, साथ काम करते हैं। उन्होंने हमें ईश्वर से प्रेम के विषय में बताया और बतलाया कि हम आपस में प्रेम करें, एकता में रहें। ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है। अगर आज हम कुछ सही करते हैं तो वह बहावला के प्रकटीकरण से जुड़ा होता है। जब हम साथ साथ होते हैं, जब हम साथ साथ प्रार्थना करते हैं, तो एक सुंदर समुदाय का चित्र उभरता है जहाँ सभी एक दूसरे को जानते हैं। मैं अपने पड़ोसियों को जानती हूँ, उन बच्चों को नज़दीक से जानती हूँ जो मेरे आस पड़ोस में रहते हैं, युवाओं को जानती हूँ, और यह सब बहावला की शिक्षाओं और उनके प्रकटीकरण के कारण संभव हो पाया है। अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है, पहले से दो गुना, कहिए तीन गुना। बहाउल्लाह ने हमें अपनी मिट्टी से जुड़ा रहना सिखलाया है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जो भी ईश्वर से हमने पाया है उसके एक अंश का योगदान हम दुनिया की बेहतरी के लिए करें। ईश्वर के अवतारों ने शीत ऋतु और बसंत काल की चर्चा की है। बहाउल्लाह बसंत काल हैं। एक कहानी लिखी जा रही है। मानव जाति की प्रगति की कहानी इतिहास के पन्नों से, ईश्वर के संदेशवाहकों द्वारा लिखी गई कहानी मानव जाति के विकास के विभिन्न चरणों में ईश्वर के पथ प्रदर्शन की कहानी, मानव जाति की परिपक्वता के उषाकाल की कहानी। ईश्वर के संदेशवाहक मानव जाति के लिए शिक्षकों की तरह हैं, जो एक खास संदेश के साथ आते हैं। मानव जाति की क्षमता के अनुसार उनका पथ प्रदर्शन अपने संदेशवाहकों के माध्यम से ईश्वर करता है। यह बहाउल्लाह का काल है। इस युग के लिए ईश्वर के संदेशवाहक बहाउल्लाह। बहाउल्लाह के आने का उद्देश्य पूरी मानव जाति को एक करना है, सभी नस्लों, वर्गों और पृष्ठभूमि के लोगों को एक करना। आज बहाउल्लाह की शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित कर रही हैं, आस पड़ोस के जीवन में बदलाव ला रही है। धरती के हर देश में, नगरों और शहरों में, गांवों में एकता का संदेश पहुंचा रही है। बहाउल्लाह मानव जाति के संपूर्ण चरित्र में परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। दुनिया के आंतरिक और बाहरी हालातों को बदलने के लिए आए हैं। बहाउल्लाह की शिक्षाएं विशाल हैं, अपनी प्रकृति में मौलिक। उनकी शिक्षाओं के मूल में है मानव जाति की एकता, मूलभूत संबंधों में परिवर्तन जो लोगों के दिलों को जोड़ता हो। हर प्रकार के पूर्वाग्रह को समाप्त करता हो, स्त्री पुरुष की समानता पर बल देता हो, पर दलितों को ऊपर उठाता हो और आर्थिक न्याय को प्रोत्साहित करता हो। बहाउल्लाह की शिक्षाएं हर प्रकार के वर्ग भेद और अनजानेपन को समाप्त करती हैं। अब समय आ गया है कि हम इसे स्वीकार करें कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ऐसी दुनिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं
जिसमें विविधता में एकता हो। मानव के इतिहास का यह एक नया अध्याय है, एक अध्याय जो 200 साल पहले शुरू हुआ। फारस 1817। दुनिया सो रही है। सुबह का समय, एक साधारण दिन, मानव जाति के बीच एक असाधारण बालक का जन्म। बाद में वो बालक बहाउल्लाह के नाम से जाना जाता है। बालक के रूप में बहाउल्लाह एक राजसी जीवन जीते हैं। उनके पिता एक ख्याति प्राप्त सरकारी मंत्री हैं और वो फारस के राजघराने से आते हैं। बहाउल्लाह एक अद्भुत बालक थे, कुशाग्र बुद्धि वाले। जो भी उनसे मिलता वह आश्चर्यचकित रह जाता। बड़े बूढ़े अक्सर कहा करते थे, इस बालक में हमसे भी अधिक बुद्धि है और समझ भी है। वे आश्चर्य करते कि जो कभी भी किसी स्कूल में नहीं गया वह आध्यात्मिक रूप से इतना परिपक्व कैसे हो गया। जब बहाउल्लाह बड़े हुए और शान और शौकत की जिंदगी जीने का मौका मिला, तब उन्होंने उसे ठुकरा दिया और असहायों की सहायता में अपने को समर्पित कर दिया। 22 साल की उम्र में उस समय की प्रथा के अनुसार बहाउल्लाह को उनके पिता का पद दिया गया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और एक आम आदमी की तरह रहना पसंद किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जरूरतमंद लोग उनके पास आते गए, उन्होंने गरीबों की मदद की। दिन रात लोग उनसे मिलने आते, यही कारण है कि उन्हें गरीबों के पिता के रूप में जाना गया। वह सबको समान रूप से प्रेम करते थे। अपने सुख को त्याग कर दूसरों को सुख देना आसान काम नहीं है। दूसरों के लिए अपना त्याग करने वाला व्यक्ति खास होता है। बहाउल्लाह द्वारा जरूरतमंदों की सहायता करना उस समय के कुलीन घरानों के व्यवहार के विपरीत था। बाद में अपने बचपन की एक कथा से जोड़कर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इस भौतिक संसार की प्रकृति क्षणभंगुर है। अपने भाई की शादी के समारोह में प्रस्तुत किए जाने वाली एक कठपुतली नृत्य के माध्यम से उन्होंने इसका वर्णन भी किया है। छोटी छोटी कठपुतलियां इधर उधर घूमने लगी और घोषणा हुई, शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं, उनका आसन ठीक करो। शहंशाह आता है जो अत्यंत भव्य दिख रहा है और उसके सर पर एक चमकता ताज है। तोपे दागी गए, तुरही बजाई गई और अचानक शामियाना धुएं से भर गया। खेल खत्म हुआ। 20 मिनट बाद शामियाने के पीछे से एक आदमी आता है जो अपनी कांख के बीच एक बक्सा दबाए है। बहाउल्लाह ने उसे रोका और पूछा, यह बक्सा कैसा है? उसने कहा, जो कुछ भी आपने देखा, राजकुमार, राजकुमारियां, बादशाह और मंत्रीगण, सब के सब अब इस बक्से में बंद हैं। बहाउल्लाह हमारे भौतिक अस्तित्व के सच्चे उद्देश्य को बतलाने के लिए ये कहानी कहते हैं। शीघ्र ही यह बाहरी दिखावा, ये खजाने, ये दुनियावी शान और शौकत, ये दम्भी लोग सभी कब्र में समा जाएंगे, जैसे इस बक्से में बंद कर लिए गए। इसलिए प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को यह शोभा देता है कि परलोक के अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान दे।
इस कहानी के माध्यम से बाहाउल्लाह बतलाते हैं कि इस जीवन की वास्तविकता क्षणभंगुर है, सच्चाई भी यही है। हमारे पास एक शरीर है जो इस संसार में जीता है और मर जाता है, लेकिन हमारे पास एक आत्मा भी है जो ईश्वर की ओर से आती है, जो अनंत है और इस पार्थिव शरीर के मरने के बाद भी बनी रहती है। बहावला हमें बतलाते हैं कि ईश्वर ने हमें एक आत्मा दी है, दया, क्षमा और न्याय के गुण दिए हैं, हमें श्रेष्ठ बनाया है। हम सब में क्षमता है कि ईश्वर के दिए इन गुणों को हम प्रतिबिंबित कर सके। बहाउल्लाह कहते हैं, मैंने तुझे उत्तम उत्पन्न किया, तुमने अपने आप को गिरा दिया है, उठ उसे प्राप्त कर जिसके लिए तेरा सृजन किया गया है। मनुष्य का सृजन समाज को बेहतर बनाने के लिए किया गया है, सभ्यता के विकास के लिए किया गया है। वह बल देते हैं कि मनुष्य एक उत्तम आत्मा है, मूल रूप से एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। जब हम यह समझ लेते हैं कि आत्मा का सृजन ईश्वर की छवि में किया गया है, तो हमें प्रत्येक उस व्यक्ति में ईश्वर का प्रतिरूप देखना चाहिए। जिस किसी से भी हम मिलते हैं उसके रंग रूप और वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए। हम आत्मा के रूप में एक दूसरे को जाने और माने कि हम एक हैं। बाहुल्ला ने कहा है, हमने तुम्हारा सृजन एक ही माटी से किया है ताकि हम अपने को दूसरों से श्रेष्ठ न समझें। अगर प्रत्येक स्त्री और पुरुष इस बात को समझ लेते हैं तो दुनिया के लोग एक हो जाएंगे और स्त्री पुरुष की समानता स्वीकार ली जाएगी। बहाउल्लाह ने हमें विधान दिए हैं और परिवर्तन के सिद्धांत बतलाए हैं, समाज का परिवर्तन। पहले ये समझा जाता था कि महिलाएं कोई निर्णय नहीं ले सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती, लेकिन आज बहाउल्लाह के प्रकटीकरण को हृदय से नमन। हम जानते हैं कि हम महिलाएं समुदाय के मामलों में अहम भूमिका निभा रही हैं। स्त्री और पुरुष पक्षी के दो पंखों की तरह हैं। इसका मतलब है कि पक्षी के दोनों पंखों के बिना मानव जाति प्रगति नहीं कर सकती। इसलिए बहाउल्लाह ने इस युग में स्त्री पुरुष की समानता को प्रगति के लिए आवश्यक माना है, इसे अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिए। बहाउल्लाह ने मानव जाति को एक करने के सिद्धांत दिए हैं। विभिन्न रंग रूप, नस्ल और प्रजाति, भाषा भाषी सब एक हो सकते हैं। दयालुता, सहानुभूति, विवेक और दूरदृष्टि के लिए बहाउल्लाह की प्रसिद्धि उनके देश में चारों ओर फैल गई। इसी समय अचानक एक प्रेरक आंदोलन शुरू हुआ। नवयुग के द्वार बाब के नाम से जाने गए एक युवा ने मानव जाति को सोते से जगाया और सभी युगों में जिस अवतार के आने की बातें कही गई थी उसके लिए तैयार होने को कहा। बहाउल्लाह उनके आंदोलन के एक प्रबल समर्थक के रूप में उभरे, लेकिन बाब के समर्थकों को तत्कालीन शासन का कड़ा विरोध सहना पड़ा। धर्माधिकारी और शासन के अधिकारियों ने उनकी भर्त्सना की और निर्दयता पूर्वक बाब के अनुयायियों को मारना शुरू कर दिया। हजारों की हत्या कर दी गई। 1850 तबरीज में सेना की एक छावनी। नाटकीय परिस्थितियों में बाब को प्राण दंड दिया गया।
बाप को प्राणदंड दिए जाने के बाद भी उनके अनुयायियों को उत्पीड़ित किया जाता रहा। हजारों की संख्या में लोगों की हत्या कर दी गई। बहाउल्लाह पर झूठे आरोप लगाए गए और उन्हें कैद करने के लिए वारंट जारी किया गया। उन्हें कैद कर लिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया, मारा गया, नंगे पांव चलने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें कैद कर सियाह चाल में डाल दिया गया। सियाह चाल का शाब्दिक अर्थ है कालकोठरी। वहाँ घुप अंधेरा था, रोशनी का नामो निशान नहीं, केवल एक फाटक, गंदगी ऐसी जिसकी बदबू बर्दाश्त से बाहर थी। हम सोच भी नहीं सकते कि वह जगह कैसी होगी। बहाउल्लाह की गर्दन के चारों ओर भारी जंजीर, जिसके निशान जीवन भर बने रहे। उसके बारे में याद कर आंखें नम हो आती हैं। लोग अपने प्रियतम के आने का इंतजार सालों साल करते हैं और जब प्रियतम आते हैं तब उनका ये हाल करते हैं। लेकिन इसी सियाह चाल में बहाउल्लाह को ये ज्ञान हुआ कि वो इस युग के अवतार हैं। जिन दिनों मैं तेहरान के बंदी गृह में था, उन दिनों हालांकि भारी जंजीरों और दुर्गंध भरी हवा के कारण कम ही सो पाता था। जब कभी आंख झपकती थी तो मैं महसूस करता था कि बड़ी तेजी के साथ कुछ मेरे मस्तिष्क में छाती तक प्रवाहित होता था, जैसे पर्वत शिखर से धरती की छाती को बेधती हुई जलधार हो। और बहाउल्लाह ने कहा, उनकी जिह्वा से जो शब्द निकले उन्हें सुनने की ताकत उस समय किसी में नहीं थी। उस अत्यंत प्रभावशाली परिस्थिति में, बोध के उस पल में जो प्रकाश उनके अंदर प्रकट हुआ, वह कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी संभव नहीं थी। यह एक संकेत था ऐसी अनेक चीजों के होने का जो आरंभ मात्र था, और इसका प्रभाव भी पड़ा क्योंकि ईश्वर का प्रकटीकरण पूरे विश्व को प्रभावित करता है। कालकोठरी में बहाउल्लाह ने गहरी व्यथा के चार महीने बिताए। फरमान जारी किया गया, बहाउल्लाह को उनके परिवार सहित उनके अपने देश से बराबर के लिए निर्वासित कर दिया जाए। बीमार और शारीरिक रूप से कमजोर बहाउल्लाह कपकपाती ठंड में पहाड़ियों को पार करते हुए बगदाद पहुंचे। निर्वासन के 40 सालों की ये शुरुआत थी। अभी भी उनके महान उद्देश्य का सत्य कहीं छिपा था। एक साल बीत गया। बहाउल्लाह एकांतवास में चले गए। कुर्दिस्तान की पहाड़ियों में अकेले रहने के लिए। वहां वह ध्यान और प्रार्थना में 2 सालों तक तल्लीन रहे। आखिरकार अपने घर को त्याग कर और जो कुछ भी उसमें था
उसे छोड़कर, यहाँ तक कि अपने जीवन से नाता तोड़कर मैं अकेला बिना किसी संगी साथी के एकांतवास में चला गया। मैं घूमता रहा, पशु पक्षी मेरे साथी थे और जंगली जानवर मेरे सहचर। ये घटना बोधगया में गौतम बुद्ध के ध्यानमग्न होने की याद दिला जाती है। याद दिलाती है ईसा मसीह की 40 दिनों तक रेगिस्तान में भटकने की और नूर की पहाड़ियों में मोहम्मद के एकांतवास की। कुछ दिनों बाद लोगों को बहाउल्लाह के वहां होने का आभास हो गया और उस क्षेत्र में उनकी महानता की कहानियां फैल गईं। जब वो हमारे बीच आए, इन पहाड़ियों, घाटियों और गुफाओं में रहे, तब उन्होंने सबसे अधिक शांति के 2 साल बिताए। विधि का विधान देखें, जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन, फिर भी अपार शांति। आज पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलो दिमाग में उन दिनों की याद ताजा है और आज भी लोग उन दिनों को याद करते हैं। जब वह बगदाद गए, तब वहां के लोगों के लिए वह दिन आनंद और उत्सव का दिन बन गया। बहाउल्लाह के व्यक्तित्व ने सबको आकर्षित किया। लोग उनसे बातें करना चाहते थे। अनेक लोग उनकी सलाह के लिए उनके पास आए। जब बहाउल्लाह बगदाद में रह रहे थे, तब उनसे मिलने बहुत सारे लोग आए और सबका स्वागत उन्होंने प्रेम के साथ किया। बहाउल्लाह ने अच्छे चरित्र की शिक्षा दी है। सत्यनिष्ठा, सत्यवादिता, ईमानदारी और एकता की शिक्षा दी है। समानता और बंधुत्व की बातें की हैं। शांति का आदर्श स्थापित किया है। यही वह संदेश है जिसे उन्होंने पूरी मानव जाति को दिया है। बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के जीवनदायी शब्द उनकी महालेखनी से चमत्कारी गति और शक्ति के साथ प्रवाहित होते रहे। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्रकट किया, वह सैकड़ों पुस्तक में उपलब्ध है। उनके पावन लेख आज दुनिया की 800 से भी अधिक भाषाओं में उपलब्ध हैं। बगदाद में प्रवास के दौरान वो लिखते हैं, मानव जाति के समग्र चरित्र में रूपांतरण को प्रभावी बनाना क्या प्रत्येक प्रगटीकरण का लक्ष्य नहीं है? ऐसा रूपांतरण जो उसके आंतरिक जीवन और बाहरी दशाओं दोनों पर प्रभाव डाले। ईश्वर अपने संदेश वाहकों को अथवा महान शिक्षकों को हमारे बीच भेजता है और प्रत्येक शिक्षक ईश्वर के प्रकटित शब्द के साथ आते हैं। आज बहाउल्लाह का प्रकटीकरण ही ईश्वर का ग्रंथ है। ईश्वर के शब्दों में शक्ति है, मनुष्य की आत्मा को बदल देने की शक्ति, लेकिन मनुष्य को इसका प्रयोग सीखना होता है, ताकि यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे व्यक्तिगत बदलाव के लिए नहीं, मेरे समुदाय में परिवर्तन लाने के काम आ सके। जितना अधिक हम ईश्वर के वचनों को समझना सीख लेंगे, उतना ही हम मानव जाति की बेहतरी के लिए अपनी क्षमता बढ़ाते चले जाएंगे। तब ही ईश्वर के वचन सार्थकता पाते हैं, जब वे ईसेवा और आराधना के माध्यम से अव्यक्त किए जाते हैं। बहाउल्लाह के प्रकटीकरण को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सबसे पहले यह आप में बदलाव लाता है, तब आप अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं और उन्हें बहाउल्लाह की शिक्षाओं की छाया में पाल पोस कर बड़ा करते हैं। परिवार के संबंध मधुर होते हैं, तब सेवा की सही समझ आप पाते हैं और समाज को यह संदेश देना चाहते हैं।
बहाउल्लाह की यह शिक्षा मुझे बहुत प्यारी है, जब वह कहते हैं कि हम एक बगिया के समान हैं, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हैं, अलग अलग आकार के फूल। इससे हम समझते हैं कि हम एक हैं, और जब हम इसे समझ लेते हैं तब उस एकता के लिए काम करते हैं। इस प्रकार हम दूसरों की सेवा करते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं। हम अपनी ही समस्याओं में उलझे रहे, अपनी ही इच्छाओं को पूरा करते रहे और अपने स्वार्थ के इर्द गिर्द ही सोचे, यह बड़ा आसान है। लेकिन बहाउल्लाह हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपने स्वार्थ से ही लिपटे नहीं रहें, दूसरों के बारे में सोचें। सच तो यह है कि खुशी तब नहीं मिलती जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे घूमते हैं, बल्कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम किसी की सहायता करते होते हैं और उस काम को करने में सहायक बनते हैं जो वे अकेले नहीं कर सकते। तब हमारी सोच बदलती है, हमारा नजरिया बदलता है। बहाउल्लाह का एक उद्धरण मुझे बहुत प्रिय है। उसमें वह कहते हैं, विश्व का उत्थान शुद्ध और अच्छे कर्मों के माध्यम से, प्रशंसनीय और अनुकरणीय आचरण से संभव है। यह वाक्य मुझे यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि मैं क्या करूं जो ईश्वर को प्रसन्न करे और उस काम को अपने जीवन तथा समाज के जीवन में उतार सकूं। हमारे जीवन का फिलहाल जो देश है वह है सेवा। आज भी हमारे समाज में काले गोरे और नस्लों का भेद है, जाति और राष्ट्रवाद का बोलबाला है। इन सबको समाप्त करना है। जब हम साथ साथ होंगे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, तभी समुदाय और विश्व में एकता होगी। बहाउल्लाह के शब्द हमें उन्नत करते हैं, समुदाय के लोगों की सोच उन्नत करते हैं और साथ साथ काम करने की प्रेरणा देते हैं। अपने समुदाय में एक अच्छी चीज जो मैं देखती हूँ वह है लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान, एक दूसरे के ज्ञान से अपना ज्ञान बढ़ाने की ललक। ईश्वर ने सबको ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, ये कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं है। सशक्तिकरण का अर्थ है ज्ञान अर्जित करना, ये ज्ञान कि मैं कौन हूँ, मेरे इर्द गिर्द के लोग क्या हैं और ईश्वर हमसे क्या चाहता है। एक बार जब हम ये समझ लें तब हम दूसरों की मदद करना शुरू कर देंगे और उनकी क्षमता के अनुसार परिवर्तन आता रहेगा। बहाउल्लाह आए हैं अज्ञानियों को ज्ञान देने और कमजोर लोगों की मदद करने। बहाउल्लाह सबकी भलाई के लिए आए हैं। बदलाव का जमाना आ चुका है, पुरानी प्रथाएं समाप्त हो रही हैं। जब भीषण तूफान आया था तब तो हमने आशा ही खो दी थी। बहाउल्लाह के प्रकटीकरण ने हमें संकट का सामना करने की शक्ति दी। जब बहाउल्लाह का संदेश तन्ना आया था तब इसका गहरा प्रभाव यहाँ के लोगों पे पड़ा था। तूफान की ताकत हमारी आध्यात्मिक शक्ति के सामने कमजोर पड़ गई थी। लोग एक साथ उठ खड़े हुए थे, वे ईश्वर के प्रकटीकरण की शक्ति से तब संचालित हो रहे थे। उन्होंने उम्मीद नहीं खोई, उन्होंने उस काम को किया
वे उठ खड़े हुए। उनमें ईश्वर के प्रकटीकरण की शक्ति थी जो उन्हें काम करने के लिए प्रेरित कर रही थी। बहाउल्लाह और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव लगातार फारस की सरकार का क्रोध बढ़ा रही थी। उनके आग्रह पर ओटोमन के सुल्तान ने बहाउल्लाह को उनके देश की सीमाओं से और दूर भेज देने का निश्चय किया। बगदाद छोड़ने के पहले बहाउल्लाह अपने साथियों को 12 दिनों के लिए टिग्रिस नदी के किनारे रिजवान नाम के एक बगीचे में एकत्र करते हैं। इसी बाग में गुलाब के फूलों की क्यारियों के बीच बहाउल्लाह का तंबू लगा और यहीं उन्होंने पहली बार घोषणा की कि वह ईश्वर द्वारा भेजे गए इस युग के अवतार हैं, जिनके आने की भविष्यवाणियां सभी धर्म ग्रंथों में की गई हैं। मानव के इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ, जिस परिवर्तन का आह्वान बहाउल्लाह ने किया उसके महत्व की एक झलक इन शब्दों में मिलती है जो उन्होंने उन दिनों के बारे में कहे थे। जो अभी तक गुप्त था अब प्रकट हो गया है और जो अब तक अप्रकट था वह अब आ चुका है। इस दिवस का स्वागत करने के लिए अपने को तैयार कर लो, वह दिवस जब स्वर्ग के द्वार खोल दिए गए हैं और अनंतता के मेघ धरती पर बरसे हैं। उनके शब्दों ने आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें तरंगित कर दी जिनका प्रभाव भविष्य की अनगिनत पीढ़ियों पर पड़ा। अपने परिवार और संगी साथियों के साथ बहाउल्लाह ओटोमन साम्राज्य में सुदूर भेज दिए गए, पहले इस्तांबुल और फिर एड्रियनोपल। अधिकारियों ने उम्मीद की थी कि उनका धर्म सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन बहाउल्लाह का प्रभाव रोका नहीं जा सका। साल दर साल बीत गए। 1868 में उन्हें एक बार फिर निर्वासित किया गया। इस बार उन्हें सुदूर और बियाबान कारानगरी अक्का में भेज दिया गया। अक्का में बहाउल्लाह के आने का वर्णन प्रस्तुत करना मुश्किल है। वहां की गर्मी, हवा की कमी, समुद्र द्वार से कारानगरी, सकरी गलियों से बहाउल्लाह और उनके परिवार को कैद खाने में ले जाया गया, जो जर्जर अवस्था में एक पुराना मकान था। उन लोगों ने जेल के गार्ड से पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन गार्ड ने खाना पानी कुछ भी देने से इनकार कर दिया। बहुत कहने सुनने पर जब गार्ड ने पानी दिया तो वह पीने लायक नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में 3 साथियों की मृत्यु हो गई। बहाउल्लाह ने अपने पावन लेखों में इन उत्पीड़नों का वर्णन करते हुए लिखा है कि उन्हें जंजीरों का भार सहन करना मंजूर था ताकि हमें गुलामी से मुक्ति मिल सके। उन्होंने कैदी रहना स्वीकार किया ताकि मानव जाति स्वतंत्र हो सके, और उन्होंने दुख का पूरा प्याला पी लिया ताकि हम मानव आनंद और उल्लास के साथ रह सके। मनुष्य
हे ईश्वर की एकता में विश्वास करने वालों, हमने स्वयं को झुका दिया ताकि तुम उठ सको। हमने अनंत यातनाएं सही ताकि तुम सुखी और संपन्न बन सको। अपने निर्वासन और कैद के दिनों में बाहुल्ला तत्कालीन सम्राटों और शासकों को पत्र लिखते हैं और खोलकर ईश्वर के संदेशवाहक के रूप में अपने पद की घोषणा करते हैं। बाहुल्ला ने यह पत्र दुनिया के सम्राटों और शासकों को उस समय लिखे जब समय राजशाही का था। यह एक ऐसा कालखंड जब मुट्ठी भर शासक पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे। बाहुल्ला सम्राटों और शासकों का आह्वान शांति के लिए करते हैं। और ये सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं कि दुनिया के ताकतवर लोग अपनी प्रजा का दमन ना करें। ये ध्यान देने योग्य है कि एक कैदी उस समय के सम्राटों और शासकों को पत्र लिखता है कि अपनी प्रजा के साथ किस प्रकार सहानुभूति और न्यायोचित व्यवहार किया जाना चाहिए। बाहुल्ला ने जो संदेश दिया था वह था, सम्राट और शासक अपने लोगों की बातें सुने, गरीबों के हित का ध्यान रखें और सभी मामलों में परामर्श करें। परामर्श का सिद्धांत निर्णय तक पहुंचने का एक उत्तम माध्यम है। इस प्रक्रिया से सत्य सामने आता है। परामर्श के दौरान हर कोई अपनी बात कहने की स्वतंत्रता रखता है। एकता की शक्ति के सहारे हम सामूहिक निर्णय तक पहुंच सकते हैं। एकता बनाए रखने के लिए परामर्श का यह उपहार हमें बहाउल्ला ने दिया है। बहाउल्ला का यह असाधारण उपहार है। एक ऐसा व्यक्ति जो स्कूल कॉलेज नहीं गया, वो सामूहिक परामर्श की सलाह दे रहा है ताकि एक निर्णय पर लोग सहमत हो सकें। परामर्श आदमी की आवाज की अभिव्यक्ति है। बाहुल्ला कहते हैं कि यह सबके लिए आवश्यक है। हम सबको परामर्श करना चाहिए। यह न्याय तक पहुंचने का साधन है। यह व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य है कि वह परामर्श की प्रक्रिया में शामिल हो। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब ये छिपा पाना मुश्किल है कि दुनिया में कितने लोग उत्पीड़न के शिकार हैं, कितना अन्याय हो रहा है, कैसी चुनौतियों का सामना मानव जाति कर रही है। हम अन्याय से केवल छुटकारा पाना नहीं चाहते, हम न्याय का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। जब हम साथ बैठते हैं और समाधान के लिए कार्यनीति बनाते हैं, आज समाज में जिन जटिल चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं, उनका हल निकालना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो एकता का माहौल बना सके, सहमति तक पहुंचा जा सके। बाहुल्ला हमें शिक्षा देते हैं कि न्याय की क्षमता हमारी आत्मा को सत्य और असत्य में अंतर करना सिखाती है। सच तो यह है कि न्याय वह साधन है जिसके सहारे हम एकता स्थापित कर सकते हैं। आज जरूरत है एकता का एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की। विविध संस्कृतियों, भाषाओं और पहनावे वाले हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब उसी एक ईश्वर की संतानें हैं। विश्व एक भीषण उथल पुथल के बीच उलझा हुआ है और इसके निवासियों का मस्तिष्क भ्रमित है। हम सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें अपने न्याय की ज्योति से प्रकाशित करे और इस योग्य बनाए कि हर परिस्थिति में मानव अपना भला बुरा सोच सके।
बाहुल्ला 9 सालों तक कैद रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, अक्का के प्रमुख लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं, उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। बाद में वे सुल्तान के हुक्म की अनदेखी करते हैं और यहाँ तक कि बाहुल्ला से कैद की दीवारों से बाहर आकर रहने का आग्रह करते हैं। और आखिरकार बाहुल्ला अक्का के दरवाजों के बाहर बहजी में आकर रहने लगते हैं। अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष बाहुल्ला ने बहजी में व्यतीत किए। वहां उनसे अनेक प्रख्यात लोग मिले। उनमें से एक थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडवर्ड ग्रैनविल ब्राउन, जिन्होंने बाहुल्ला से अपनी मुलाकात और उस मुलाकात के गहरे प्रभाव के बारे में लिखा है। मैं अंदर गया। कुछ ही पल बीते कि मुझे इस बात का एहसास हो गया कि कमरा खाली नहीं था। कोने में जहां दीवारों से लगा एक दीवान रखा था, वहां एक गरिमापूर्ण व्यक्ति बैठा था, जिनकी मुखाकृति को मैंने देखा था, उन्हें कभी भूल नहीं सकता। हालांकि उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। दिल की गहराई तक उतरती हुई आँखें जैसे किसी की आत्मा को पढ़ने की शक्ति रखती थीं। पूछने की ज़रूरत नहीं कि मैं किन की उपस्थिति में खड़ा था। मैंने उन्हें झुककर प्रणाम किया, जो भक्ति और प्रेम के प्रतीक थे और जिनसे मिलने की ललक राजा महाराजा तक रखते थे। एक गंभीर स्वर ने मुझे बैठने का आदेश दिया और अपनी बात जारी रखी। तुम एक बंदी और निष्कासित से मिलने आए हो। हम दुनिया के कल्याण और इसके राष्ट्रों की प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। समस्त राष्ट्र अपनी आस्था में एक बने, सभी मनुष्य भाइयों की तरह रहें, मनुष्य के संतानों के बीच स्नेह और एकता का बंधन मजबूत हो, धर्मों की भिन्नता समाप्त हो और नस्ल का अंतर समाप्त कर दिया जाए। हम यही चाहते हैं, इसमें हानि क्या है? ऐसा ही होगा। ये निरर्थक विवाद, ये विनाशकारी युद्ध समाप्त हो जाएंगे और सर्व महान शांति आएगी। मई 1892। 40 सालों के उत्पीड़न और निर्वासन के बाद यहीं बहजी में बाहुल्ला का सर्वारोहण होता है। उनकी चिर विश्रांति की स्थली वह आध्यात्मिक केंद्र है, जहां दुनिया भर से लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। वैसे लोग जो अपने समुदायों में एकता, न्याय और समानता से संबंधित बाहुल्ला की शिक्षाओं को व्यावहारिक स्वरूप देने के लिए प्रतिपल प्रयत्नशील है। बहाउल्ला ने जिस परिवर्तन की बात कही है, वह आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने सामाजिक ढांचे में अथवा समुदाय में एक दूसरे के साथ सिर्फ सहयोग की ही बात नहीं कही है, उन्होंने संबंधों पर भी विचार करने पर बल दिया है, ताकि मानव जाति की एकता उभर कर सामने आ सके। इसके लिए जरूरी है एक दूसरे से सहयोग करना, दूसरों से बातचीत करना और अनुभवों से सीखना, और तब इस शानदार और व्यापक दृष्टिकोण के आलोक में इन संबंधों को तौलना। बाहुल्ला का सपना है कि विश्व में एकता आएगा, तो मतलब ये निश्चित है कि गांव में एकता आएगी। कुछ लोग और हम भी ऐसा महसूस कर रहे थे कि ऐसा संभव नहीं है,
कारण है कि सभी लोगों को एक सूत्र में बांध लेना ये तो संभव नहीं है, चूंकि सबका सोच जो है वो भिन्न भिन्न है। लेकिन अब पता चल रहा है कि बहाउल्लाह का जो सपना है वो निश्चित आने वाला समय में साकार होगा और उसका प्रतिफल अभी दिख रहा है। हथवन समुदाय में कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ युवाओं और सभी का जो बातचीत होता है तो उसमें विचारों की एकता देखी जाती है। बहाउल्लाह की शिक्षाओं से आध्यात्मिक क्षमता बढ़ी है। अगर हम इन शिक्षाओं पर चलें, तो हम अपने घर को स्वर्ग बना लेंगे। मैं पनामा के एक ऐसे समुदाय का रहने वाला हूँ जहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब बहाउल्लाह के प्रकटीकरण का प्रकाश यहाँ आया तब उसने यहाँ की सोच और संस्कृति को प्रभावित किया। इसने व्यक्ति को अंदर से बदल दिया। बहाउल्लाह सबकी शिक्षा की बात करते हैं और पहली बार यहाँ के लोगों ने यह महसूस किया कि शिक्षा उनकी आज़ादी की राह दिखलाने वाला प्रकाश है। अगर बहाउल्लाह का प्रकटीकरण हमारे समुदाय को आलोकित कर सकता है तो यह दुनिया में किसी भी समुदाय का पथ प्रदर्शक बन सकता है। आज के समय में बहाउल्लाह का उद्देश्य इस मायने में अन्य अवतारों के उद्देश्य से अलग है कि हम एक नई सभ्यता की स्थापना की बातें कर रहे हैं। आध्यात्मिक रंग में रंगी एक विश्व सभ्यता, हम समुदायों की विविधता में एकता और एक अलग संस्कृति का सूत्रपात कर रहे हैं, जिसमें बहाउल्लाह की शिक्षाओं की झलक मिले। एक ऐसी संस्कृति जो सेवा को समर्पित हो, एकता के माहौल में हम एक नए समाज का निर्माण कर सकें। धर्म की इसी अवधारणा को हम बहाउल्लाह के प्रकटीकरण में पाते हैं। धर्म जो मानव जाति को विकास के अगले चरण पर अर्थात मानव जाति की एकता की ओर हमें ले जाएगा। एक कहानी लिखी जा रही है। यह कहानी ईश्वर से मानव जाति के मिलन की कहानी है। मिलन की यह कहानी पूरी दुनिया में लिखी जा रही है, गांव में, आस पड़ोस में, शहरों और नगरों में, जिसमें हर एक व्यक्ति उस कहानी का एक पात्र है। यह एक ऐसा मिलन है जिससे आशाएं बंधी हैं और जो बहाउल्लाह के शब्दों से आलोकित है। सौभाग्यशाली है वह जो स्वयं से पहले अपने भाई को श्रेष्ठकर समझता है। अपनी हृदय वाटिका में प्रेम के गुलाब के सिवाय अन्य कुछ भी न उपजा। तुम एक ही वृक्ष के फल और एक ही शाखा की पत्तियां हो। संपूर्ण पृथ्वी एक देश है और समस्त मानव जाति इसके नागरिक। एकता का प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि वह संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित कर सकता है। इतनी व्यथा और विपत्ति को सहने, पावन पदों को प्रकट करने और प्रमाणों को देने के पीछे इस प्रताड़ित का कोई और उद्देश्य नहीं है, सिवाय इसके कि घृणा और दुश्मनी की ज्वाला को बुझाया जा सके, ताकि मनुष्य के हृदय के क्षितिज मैत्री के प्रकाश से आलोकित हो सके और सच्ची शांति और संपन्नता वे प्राप्त कर सके।